अभी मैं आपको ये देखिए एक टेस्टिंग और दिखा देता हूँ। ये देखिए अगर बैरिंग सीट बिल्कुल भी लूज़ होगी तो बैरिंग बाहर आ जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं बैरिंग बिल्कुल अच्छे से पकड़ बना चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक ओरिएंट का सीलिंग फ़ैन है और जो इसका ये कवर है अभी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये जो कवर है इसकी बैरिंग शीट बिल्कुल लूज़ है, अभी इसको हम आपको लगा के भी दिखाएंगे। ये देखिए इसकी जो ये बैरिंग शीट है, ये देखिए बैरिंग कितना इसमें बिल्कुल फ्री जा रहा है, ये बैरिंग शीट बिल्कुल लूज़ है। तो दोस्तों ज़्यादातर कई लोग क्या करते हैं, इस तरीके से जब बैरिंग शीट लूज़ होती है तो उसमें कपड़ा फंसा देते हैं या फिर ब्लेड जो होती है शेविंग ब्लेड वो तोड़ के फंसा देते हैं। ये देखिए अभी नया बैरिंग भी आपको लगा के दिखाएंगे, ये भी बैरिंग बिल्कुल फ्री है और इसकी जो शीट है ये देखिए ये शीट बिल्कुल लूज़ है। ये देखिए तो इसको दोस्तों आप कैसे टाइट कर सकते हैं जिससे कि मोटर ना फूके, मोटर की जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी हो जाए। अगर देखिए दोस्तों शीट, अगर बैरिंग की शीट लूज़ होगी तो जाहिर सी बात है मोटर हीट होगी और हीट होने के कारण मोटर फूक जाएगी। आप देख सकते हैं हमने 1.5 mm की वायर ली है और इस तरीके से आपको वायर नापनी है, बैरिंग से थोड़ा सा बड़ा साइज़ वायर का रखना है और इस 1.5 mm की वायर को आप इस तरीके से पूरा छील लीजिए। छीलने के बाद दोस्तों क्या करना है वो मैं अभी आपको आगे बता देता हूँ। ये देखिए पहले हम वायर छील लेते हैं। वायर छीलने के बाद आपको इस तरीके से कट लगा देना है और यहाँ से इसको निकाल देना है। अब आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे जो है पतली पतली हमारे पास वायर आ गई है, तो हमें थोड़ी सी वायर अलग कर देनी है जितनी हमें वायर चाहिए जिससे कि हमारी जो बैरिंग की शीट है वो अच्छे से टाइट हो जाए, सिर्फ उतनी ही वायर हमें लेनी है और इस तरीके से आपको अच्छे से इस पर लगा देनी है। ये देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपको अच्छे से वायर फैला के लगानी है दोस्तों। एक ही जगह अगर आप रखेंगे तो बैरिंग वहीं पे जाम हो जाएगा, उसकी जो अंदर की जो गोलियाँ होती है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी। ये देखिए अभी बैरिंग हमारा बिल्कुल फ्री है और बैरिंग लगाने के बाद भी आपको हम कवर दिखाएंगे, बिल्कुल फ्री इसमें चलेगा। ये देखिए ये पुराना बैरिंग आप देख सकते हैं, ये हार्ड हो गया है, इसके अंदर की जो ग्रीस है वो सूख गई थी, तो अभी हम इसमें नया बैरिंग लगाएंगे। इस तरीके से आपको बैरिंग को अच्छे से इस पर बिठा देना है। बिठाने के बाद ये आपको इस तरीके से छोटी हैमर लेनी है और हैमर से हल्की हल्की चोट मार के आपको बैरिंग सीधा कर देना है। और जो पुराना बैरिंग आप दोस्तों निकालेंगे इस तरीके से आपको बैरिंग के ऊपर बैरिंग रखना है और फिर उसके ऊपर हैमर से इस तरीके से चोट मारनी है। ये देखिए इससे बैरिंग दोस्तों अपनी जगह पे अच्छी पकड़ बना लेगा जिससे मोटर हीट नहीं होगी, क्योंकि अगर बैरिंग शीट लूज होगी तो बैरिंग प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा जिसकी वजह से मोटर फूक जाएगी। और ये जो आप एक्स्ट्रा वायर देख रहे हैं इसको आप इस तरीके से घुमा के इसको रिमूव कर दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए। और हटाने के बाद आपको क्या करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम बैरिंग की जो शीट है वो चेक करेंगे, बैरिंग हमारा जो अच्छे से फिक्स हुआ है नहीं हुआ। ये भी जो एक्स्ट्रा वायर है आप इसको इस तरीके से साइड कर सकते हैं या फिर वायर कटर से इसको आप कट कर सकते हैं। ये देखिए वायर अभी फ़िलहाल हमने साइड कर दी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आप देख सकते हैं बैरिंग भी बिल्कुल फ्री है हमारा। अभी दोबारा घुमा के एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए अभी बैरिंग भी दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल हमारा, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो चुका है। अभी मैं आपको ये देखिए एक टेस्टिंग और दिखा देता हूँ। ये देखिए अगर बैरिंग सीट बिल्कुल भी लूज़ होगी तो बैरिंग बाहर आ जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं बैरिंग बिल्कुल अच्छे से पकड़ बना चुका है और बैरिंग की शीट बिल्कुल अच्छे से इसमें फिक्स हो चुकी है। तो दोस्तों अगर जब भी आप बैरिंग लगाए तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, इस तरीके से बैरिंग शीट भी बिल्कुल टाइट होनी चाहिए और बैरिंग भी बिल्कुल इस तरीके से फ्री घूमना चाहिए। अब हम इसकी स्प्रिंग लगा देते हैं और स्प्रिंग लगाने के बाद इसकी फिटिंग कर देंगे। ये देखिए दोस्तों स्प्रिंग लगा दी है। अब उसके बाद ये जो रिंग है, रिंग हमें इसकी लगानी है। ये देखिए रिंग इस तरीके से आपको लगानी है और रिंग लगाने के बाद अब इसका कवर जो है हम फिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये पकड़ बना चुका है बैरिंग, और इसको भी आपको हैमर की सहायता से इस तरीके से बिठाना है। ये वाली शीट भी दोस्तों जो शाफ्ट की शीट होती है ये भी लूज़ नहीं होनी चाहिए। ये देखिए मैं अभी आपको चेक कराया था, ये होल टू होल हमने इसके मैच कर लिए और जो बैरिंग की जो शीट है वो भी बिल्कुल टाइट है और आप देख सकते हैं शाफ्ट की जो शीट है वो भी बिल्कुल अच्छे से टाइट हो चुकी है। दोस्तों अगर बैरिंग की शीट बिल्कुल अच्छे से टाइट होगी तो मोटर आपकी कभी भी नहीं फूकेगी। इस तरीके से आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लेना जिससे कि मेरी और भी ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहे।